go anywhere. Don't scatter and roam around, okay? Miss, हम सब अलग-अलग गेम खेल रहे हैं. फिर एक जगह कैसे रहेंगे? Okay. ठीक है. खेलो यहीं पे, लेकिन बाहर मत जाना, okay? कोई भी अगर जाएगा मुझसे पूछ के जाएगा. यहीं पे खेलो. Come on, चलो जाओ खेलो. Go. नीति, क्या तुम मेरे साथ रेस लगाओगी? सर ठीक है. चल पकड़ो मुझे. बेटा बताओ कहाँ चोट लगी है? मिस, इसका तुरंत इलाज करना होगा. आपके पास कोई एंटीसेप्टिक वगैरह है? नो, वी डोंट हैव. बेटा आपका घर कहाँ है? बहुत दूर. अब मैं आपको घर ले चलूं? सॉरी मैम, ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ होगा. हम स्ट्रेंजर्स के साथ बच्चों को नहीं भेज सकते. I'm sorry. मिस, आई एम अ डॉक्टर. आप मेरी गाड़ी का नंबर नोट कर लीजिए या मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए. मैं इसे घर लेके जाती हूँ. मिस, मैं चली जाती हूँ इनके साथ. टच बेटा. ठीक है. उठो बेटा. प्लीज संभल के संभल के संभल के संभल. चलो रहो. आ जाओ सारे बच्चे, चलो मेरे साथ. धीरे धीरे आ जाओ बेटा. नीति जाग रही है कि सो गई? बातें कर रही है माँ के साथ. अभी अभी गुड नाइट बोलकर आई. आप कहाँ चल रही है? देख के आता हूँ नीति सोई कि नहीं. मत चाहिए ना, वरना फिर वो जल्दी नहीं सोएगी. नीति को ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? हो रहा था, पर चॉकलेट दी तो दर्द भी भाग गया. थैंक गॉड, नंदनी वहां थी. कैसा अजीब इत्तेफाक है ना अक्षय, नंदनी को मालूम ही नहीं था कि वो हमारी बेटी है. उसे कैसे मालूम होता? उसे तो ये भी नहीं पता था कि हम दोनों पति पत्नी हैं. Yeah, that's true. लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि आपने उससे बात भी नहीं की, थैंक यू भी नहीं बोला उसे. तुमने थैंक्स कहा था ना उसे? एक ही बात तो हुई, और वैसे भी उसने कोई बड़ा एहसान तो किया नहीं हम पर. कोई भी होता उसकी जगह तो यही करता. आपको कोई प्रॉब्लम है नंदनी से? ऐसा क्यों कह रही हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, वो मैंने उससे जब एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था
तब भी आप मुझसे नाराज हो गए थे, और फिर एक बार जब मैंने उसकी तारीफ की और कहा कि मैं उसे डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ, तब भी आप मुझ पर बिगड़ गए। क्या वजह है इसकी? कोई वजह नहीं है। और तुम इतने सवालात क्यों कर रही हो मुझसे? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अभ्या कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रतन और मैं आपके घर गए थे, माँ ने बताया होगा आपको। हाँ अभ्या, माँ ने बताया था मुझे। तुमने और रतन ने उनके साथ जो बहसबाजी की उसके बारे में भी उन्होंने बताया। अभ्या तुम्हें पता है उस सबके बाद माँ कितनी अपसेट थी? दीदी आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या। अरे सॉरी वॉरी को गोली मारो, मुद्दे की बात करो। दीदी आपसे और चीजा जी से मिलने हम दोनों आपके नर्सिंग होम आना चाहते हैं, कब आए? अभ्या मैं अक्षय से पूछकर बताऊं? दीदी प्लीज थोड़ा जल्दी बताइएगा, रतन को बहुत जरूरत है काम की। मुझे मालूम है अभ्या, आई नो इट। थैंक्स दीदी, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। बाय। बाय। प्रिंसेस कम बैठिए। चले? चलना, कहाँ चलना है? आपने प्रॉमिस किया था ना एग्जाम के बाद आप मुझे ड्राइव पर लेकर जाएंगे। नीति पापा आज बहुत थक गए हैं, पूरा दिन बहुत बिजी थे पापा, आज नहीं प्लीज। वो तो रोज बिजी रहते हैं, तो क्या हम ड्राइव पर कभी नहीं जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, जब भी हमारी प्रिंसेस चाहेगी हम उसे ड्राइव पर लेकर जाएंगे। अब फटाफट जाके तैयार हो जाओ। मैं तो कब से तैयार हूँ। वेरी गुड, साथ में नानी को भी ले आओ। ओके नानी। आज बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। अक्षय आज मैं गाड़ी चलाती हूँ। मम्मी आप गाड़ी। पापा चलाने दीजिए ना, नानी बहुत एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में। अच्छा देखें भाई कैसे चलाती हैं तुम्हारी नानी हमारे। थैंक यू, थैंक यू। आई इतने बरसों तक कोई खबर नहीं थी उसकी, अब क्यों बार बार ये इत्तफाक, आखिर क्यों? मैं उसे भूल जाना चाहती हूं, उसकी तस्वीर जो दिल में बसाई थी उसे मिटा देना चाहती हूं। आजकल रोमांस का भूत कुछ ज्यादा ही सर पर सवार है, बस मौके की ताक में रहते हो। हाँ ये लो। अच्छा ही हुआ नंदिनी ने घर बसा लिया। आपने पसंद किया ना, सभी बहुत अच्छे हैं। ऐसा है तो ये सारे ही रख लो। वो अपने घर में खुश है और मैं अपने घर में। मैं आज तुमसे फिर कह रही हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है।